हे गाइस, वेलकम बैक टू सीरीज विद दीप। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेंशन एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। दोस्तों, हमने इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर निक फ्यूरी बहुत सारे स्क्रल्स से मिल रहा होता है। दरअसल क्री की लड़ाई के बाद इन सारे स्क्रल्स ने अपना घर खो दिया और लाखों स्क्रल्स स्पेस में फैल गए। कुछ स्क्रल्स यहाँ पर बचे हैं जो धरती पर आए हुए हैं। यहाँ पर निक फ्यूरी ग्राविक नाम के एक स्क्रल से मिलता है। यहाँ पर एक औरत बताती है कि ग्राविक ने अपना सब कुछ खो दिया, यानी अपने पेरेंट्स खो दिए, लेकिन यह लड़का बहुत ज़्यादा शातिर है और आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। लेकिन निक फ्यूरी को लगता है कि ग्राविक बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी निक फ्यूरी ग्राविक को अपने पास रख लेता है। यहीं पर टेलोस होता है जो सभी स्क्रल्स से बोलता है कि आज अगर हम धरती के ऊपर हैं तो केवल और केवल निक फ्यूरी की वजह से हैं, क्योंकि वही अब हमारी मदद कर रहा है। तब निक फ्यूरी यहाँ पर सभी स्क्रल्स को समझाता है कि तुम सभी को धरती के ऊपर आराम से रहना है जब तक कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया घर नहीं खोज लेता। तब तक तुम लोगों को इसी तरह छुप कर रहना होगा और इंसानों का ही रूप लेना होगा। इस तरह से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। धमाके के बाद मारिया मर जाती है क्योंकि ग्राविक ने उसे मार दिया, और अब ग्राविक और गाया ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। निक फ्यूरी को भी एक आदमी पकड़ कर ले जाता है। यह टेलोस ही होता है जो निक फ्यूरी को यहाँ से बचा कर लेकर जाता है। लेकिन तभी यहीं पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं जो यहाँ पर एक आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब रशियन हर जगह ब्लैक अमेरिकन आदमी यानी कि निक फ्यूरी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन निक फ्यूरी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि निक फ्यूरी टेलोस के साथ बैठा है, जहाँ वह टेलोस को अपनी पुरानी बात बताता है कि एक वक्त था जब ट्रेनों के अंदर ब्लैक अमेरिकन को चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। हम लोगों के लिए अलग से कैबिन थे, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं पर भी सफर कर सकते हैं। साथ ही बताता है कि मैं पहले अपनी मोम के साथ एक गेम खेला करता था। हमारी मोम हमसे वो चीज़ें पूछती थी जो उन्हें नहीं पता होता, और आज मैं तुम्हारे साथ वही गेम खेलने वाला हूँ, तो मुझे वही चीज़ बताओगे जो मुझे नहीं पता है। तब टेलोस बताता है कि धरती के ऊपर लाखों स्क्रल्स इंसानी रूप में घूम रहे हैं। निक फ्यूरी इस चीज़ से भटक जाता है। वह बोलता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर थोड़े से स्क्रल्स हैं, अब लाखों बता रहे हो और वो सब इंसानों के बीच में घूम रहे हैं। इस तरह से इंसानों और स्क्रल्स के बीच में लड़ाई पैदा हो सकती है, क्योंकि धरती पर तो इंसान ही आपस में लड़ते रहते हैं, और स्क्रल्स के आ जाने के बाद तो वो और भी लड़ाई करेंगे। टेलोस बोलता है कि हमने मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तुम स्पेस स्टेशन के अंदर थे और तुम वहाँ पर 2 साल तक पड़े रहे। अब दूसरा हमारी कोई मदद नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने सारे स्क्रल्स को धरती पर ही बुला लिया था। निक फ्यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और तब टेलोस यहाँ से अपना रूप बदलकर चला जाता है। निक फ्यूरी यहाँ से वार्सो पहुंच जाता है, जहाँ मारिया की डेड बॉडी को यहाँ से अमेरिका ले जाया जाएगा। यहीं पर मारिया की माँ होती है जिसका एलिजाबेथ नाम है। वह निक फ्यूरी पर गुस्सा होती है और बोलती है कि मारिया तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई। निक फ्यूरी इसके लिए माफ़ी मांगता है। एलिजाबेथ बोलती है कि उन लोगों ने मारिया को क्यों मारा। तब निक फ्यूरी बताता है कि दरअसल वो मुझ पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया और उस हादसे में मारिया मारी गई। तब एलिजाबेथ बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की मौत जाया ना जाए। वो जो भी लोग हैं वो अपने मिशन में सफल नहीं होने चाहिए, तुम्हें उन्हें किसी भी तरह करके रोकना होगा। तब निक फ्यूरी यहाँ पर एलिजाबेथ को विश्वास दिलाता है कि मैं आपकी बेटी की मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। अब जो मास्को के ऊपर हमला हुआ है उसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और इस हमले की वजह से इन दोनों देशों के बीच में तनाव आ जाता है। ग्राविक यहाँ से गाया के साथ जा रहा था। गाया यहाँ पर ग्राविक से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि वहाँ पर निक फ्यूरी आने वाला है। ग्राविक बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर निक फ्यूरी आएगा, लेकिन मैं चाहता था कि शायद वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाए, क्योंकि मैं उसे और भी ज़्यादा तड़पाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ और भी बुरा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता तो वहाँ पर भी निक फ्यूरी को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तब ग्राविक यहाँ से एक मीटिंग में चला जाता है। यह काउंसिल की मीटिंग होती है जहाँ पर रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और कुछ बड़े लोग होते हैं। इन सभी को पता है कि वह हमला ग्राविक ने करवाया है, तो ये सभी लोग ग्राविक को बोलते हैं कि तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था कि तुम वहाँ पर हमला करने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें सजा देंगे। तब यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ग्राविक को आर्मी का कमांडर बना देती है। बाकी लोग इस चीज़ के खिलाफ होते हैं, और हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी स्क्रल्स हैं, और अब स्क्रल्स ऊंचे पदों पर भी हैं। ग्राविक यहाँ पर इन सभी को बताता है कि तुम लोग इंसान का रूप लेकर पूरी तरह इंसान बन चुके हो, तुम्हें अपने हक के लिए उठना होगा। तो डर के मारे सभी लोग ग्राविक के लिए वोट करते हैं। तब यहाँ पर एक लड़की वोट नहीं करती और यह बाहर आ जाती है, और बाहर आते यह सब टेलोस को बता देती है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब ग्राविक को आर्मी का कमांडर बना दिया है। तो टेलोस बोलता है कि ग्राविक के साथ जल्दी से मेरी एक मीटिंग कराओ। तभी यह औरत हाँ बोलती है और यहाँ से चली जाती है। ग्राविक यहाँ से गाया के साथ अपने बेस पर आ जाता है, जहाँ वह एक इंसान से मिलता है, और यह इंसान एक लैब में जाता है। गाया भी इस इंसान का पीछा करती है, और गाया को पता चलता है कि ग्राविक यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज बनाने को जा रहा है। यहाँ पर एक मशीन होती है जिसे यहाँ पर चालू भी किया जाता है। वहीं एक जगह बहुत बड़े देशों की एक मीटिंग होती है, जहाँ अमेरिका की तरफ से मिस्टर रोड्स आए होते हैं, और बाकी देशों के लोग पूछते हैं कि अमेरिका के एक आदमी ने मास्को के अंदर हमला किया है और वहाँ पर उस इंसान को देखा भी गया है। तब रोड्स बताता है कि निक फ्यूरी ऐसा नहीं कर सकता, यह काम किसी और ही इंसान का है। रोड्स यहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास निक फ्यूरी का कॉल आता है
और रोड्स को पता चलता है कि निक फ्यूरी उसके आसपास है। तब ये दोनों एक जगह पर आकर मीटिंग करते हैं। जेम्स रोड्स को यही लगता है कि मॉस्को के अंदर जो हमला हुआ है वह निक फ्यूरी ने करवाया है। तब निक फ्यूरी बताता है कि उस हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। उस हमले को करने वाले कोई इंसान नहीं है बल्कि स्क्रल्स हैं, और वो आज दुनिया के ऊंचे पदों पर भी हैं। शायद तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड भी उनमें से एक हो सकता है। लेकिन जेम्स निक फ्यूरी की बातों पर यकीन नहीं करता। निक फ्यूरी बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं इन सभी से लड़ना चाहता हूँ, मैं इन सभी को खत्म करना चाहता हूँ, मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ जो हमारे देश के खिलाफ जा रहे हैं। तो जेम्स बताता है कि तो हमें एवेंजर्स को बुला लेना चाहिए। निक फ्यूरी बताता है कि यह इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं इस मसले को अकेले ही सोल्व करना चाहता हूँ, जैसे मैंने हाइड्रा के मसले को सोल्व किया था। लेकिन जेम्स बोलता है कि मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। निक फ्यूरी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह जेम्स रोड्स को बहुत भला बुरा बोलकर यहाँ से चला जाता है और बाहर आकर एक बेंच पर बैठकर रोने लगता है। वहीं सोनिया भी एक जगह पर चली जाती है जहाँ मॉस्को के अंदर जो हमला हुआ था उसकी पूछताछ के लिए एक आदमी को पकड़ा गया था, और यहाँ पर उस आदमी से पूछताछ जारी है, लेकिन यह इंसान मुंह नहीं खोल रहा। तब यहाँ पर सोनिया सभी से बोलती है कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। साथ ही वह अपने सीनियर की बात भी यहाँ पर लोगों से करवाती है, और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब सोनिया यहाँ पर इस आदमी से बोलती है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि तुम खुद ही बताना शुरू कर दोगे। सबसे पहले आते ही वह इस इंसान की उंगली को काट देती है, और इससे उसे कन्फर्म हो जाता है कि यह एक स्क्रल्स है। फिर वह एक इंजेक्शन को लेती है और बोलती है कि यह इंजेक्शन मैं जब तुम्हारे शरीर के अंदर लगाऊंगी तब तुम अपने आप बताओगे, या हो सके तो तुम मुझे इससे पहले ही बता दो। लेकिन जब यह इंसान कुछ नहीं बताता तब सोनिया इसे इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाते ही इस इंसान के खून में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और इसे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, और तब यह दर्द के मारे बताना शुरू कर देता है और बताता है कि वह हमला स्क्रल्स ने करवाया था। इस पूरी चीज़ को ग्राविक नाम का एक लड़का लीड कर रहा है, और ग्राविक एक बहुत बड़ी मशीन बनाने जा रहा है जिसमें हम जैसे स्क्रल्स और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। वहीं गाया को भी पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वह कुछ जानकारी कंप्यूटर में देखने की कोशिश करती है। तभी वहीं पर ग्राविक आता है और वह बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब गाया ग्राविक से झूठ बोलती है। ग्राविक यहाँ पर गाया के डैड को भला बुरा बोलता है, और गाया ये सब बेचारी चुपचाप सुनती रहती है। साथ ही यहाँ पर ग्राविक गाया को बोलता है कि जिस हमारे एक आदमी को पकड़ा गया था उसका पता हमें चल चुका है, हमें उसे छुड़वाना होगा, और वह गाया को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं सोनिया अभी भी उस इंसान से पूछताछ कर रही है। वह इंसान डरते डरते बता देता है कि इस पूरे मिशन को एक कपल लीड कर रहा है जो डोल्टन नाम से बिलोंग है। तब तक यहीं पर ग्राविक आ जाता है जो बाहर खड़े सभी एजेंटों को मार देता है। सोनिया को भी पता चल जाता है कि इसके साथ ही ये छुड़ाने के लिए आ चुके हैं, इसलिए वह इमरजेंसी डोर से यहाँ से निकल जाती है, और ग्राविक अपने इस साथी को छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है और इस आदमी से पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्या बताया है। तो यह आदमी बोलता है कि मैंने उन्हें केवल झूठ बताया है। लेकिन ग्राविक जब अपने अड्डे पर जाता है तब वहाँ पर पुलिस आई होती है, इसलिए ग्राविक को अपने आदमी पर शक हो जाता है कि शायद इसने पूछताछ के दौरान सब कुछ बता दिया। हालांकि हमें पता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली गाया होती है। तब ग्राविक इस आदमी को जंगल में ले जाकर एक जगह मार देता है। वहीं हम निक फ्यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर आता है। यहाँ एक स्क्रल्स होती है जो एक लड़की के रूप में रहती है, और निक फ्यूरी यहाँ पर आते ही इस औरत को किस करता है, और हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी इस औरत के साथ शादीशुदा है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करेंगे दूसरी वेब सीरीज के साथ, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।